Hello viewers, this is Manpreet Kaur from PG Department of CS and IT, Doba College, London. Today we are going to discuss about cursors in PLSQL. PLSQL में जब SQL statement process होती है तो उसको Oracle एक memory area allocate करता है, तो उस memory area को हम context area बोलते हैं. And basically cursor is a pointer जो इस context area को point करेगा. So there are two types of cursor, implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursors declared by Oracle server and explicit cursors declared by user. Implicit cursors are automatically generated by Oracle. जब SQL statement execute होती है तो अगर आपने उसमें explicit cursors नहीं use किए तो by default implicit cursors run होते हैं. तो implicit cursors जैसे कि आप कोई भी DML statement use की इंसर्ट अपडेट डिलीट एटसेट्रा ये इन इन सारे कमांड्स को आप एग्जीक्यूट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कर्सर्स इंप्लीमेंट होते हैं. ओरेकल प्रोवाइड्स सम एट्रीब्यूट्स नोन एज इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स. तो इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स जो चेक करते हैं डीएमएल ऑपरेशन डीएमएल स्टेटमेंट्स का स्टेटस. ठीक है, तो हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, परसेंट फाउंड, परसेंट नॉट फाउंड एंड परसेंट ट्रू फाउंड. तो इनको हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं एसक्यूएल में, पीएल एसक्यूएल में, लाइक एसक्यूएल परसेंट फाउंड. तो एसक्यूएल यहाँ पे एज ए कर्सर वर्क कर रहा है. एसक्यूएल परसेंट फाउंड इज अ एट्रीब्यूट, देन एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड, एसक्यूएल परसेंट रो फाउंड. नेक्स्ट है परसेंट फाउंड. अब परसेंट फाउंड जो एट्रीब्यूट है वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देता है. अगर तो डीएमएल स्टेटमेंट्स लाइक आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसके बाद आपका वो शो होता है कि वन रो इंसर्टेड, सो दैट मींस कि आपको रिजल्ट ट्रू आया है, तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट कौन सा कर्सर यूज हुआ, परसेंट फाउंड. तो परसेंट फाउंड का ट्रू रिजल्ट तब आता है जब डीएमएल स्टेटमेंट अफेक्ट करती हैं एटलीस्ट वन और मोर रोज को, और सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो भी रिटर्न करती है वन और मोर रोज को, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट वन इज परसेंट नॉट फाउंड. परसेंट नॉट फाउंड ऑपोजिट है परसेंट फाउंड के. ये तब रिजल्ट ट्रू करता है अगर कोई डीएमएल स्टेटमेंट किसी भी रो को अफेक्ट नहीं करती, सेम फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. लास्ट इज परसेंट रो काउंट. परसेंट रो काउंट बेसिकली अगर हमने नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज काउंट करनी हो डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू, सपोज हमने अपडेट की थी तो अपडेट कमांड ने कितनी रोज अफेक्ट की हैं, उन रोज की काउंटिंग कर सकते हैं हम रो काउंट से. हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरी कि इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स को हमने यूज कैसे करना है पीएलएसक्यूएल में. तो जैसे पीएलएसक्यूएल में हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन एंड सेक्शन. तो यहाँ पे मैंने तीन सेक्शंस यूज किए, डिक्लेयर, बिगिन एंड एंड. बिगिन मींस एग्जीक्यूशन सेक्शन. डिक्लेयर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टोटल रोज नाम का, तो इसकी डेटा टाइप है नंबर एंड साइज है 2. उसके बाद है बिगिन सेक्शन. तो बिगिन में मैं क्या करवा रही हूँ, अपडेट. तो अपडेट क्या हो रहा है, कस्टमर टेबल्स में सैलरी प्लस 5000 हो रही है. अपडेट कस्टमर्स सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5000. इफ एस, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे. तो कंडीशन में हमने इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट यूज करना है. सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड. तो ये SQL percent not found, SQL is used as syntax with this attribute, and then उसके बाद print करवाया है हमने no customers selected. कि अगर तो उसको salary column या फिर ऐसा data नहीं मिलता वहाँ पे, या table नहीं मिलता, तो फिर वो no customers selected response देगा. Else if SQL percent found, अगर उसको मिल जाता है then वो total rows में, अब कितनी rows affect हुई हैं हम वो rows count करेंगे. टोटल रोज जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करवानी है एसक्यूएल परसेंट रो काउंट. तो टोटल रोज जितनी अफेक्ट होंगी वो उसका टोटल जो उसका काउंट होगा वो वैल्यू टोटल रोज वेरिएबल में चली जाएगी. उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है यहाँ पे टोटल रोज. तो
ये जो लॉजिकल और का सिंबल है ये यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए यूज हो रहा है, कस्टमर्स सिलेक्टेड, तो इसकी आउटपुट कुछ ऐसे आएगी, सिक्स कस्टमर्स सिलेक्टेड। चलो हम इसको एसक्यूएल प्लस पे रन करते हैं। एसक्यूएल प्लस में सबसे पहले जैसे कि हमने पीएल एसक्यूएल का कोड रन करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, उसके बाद हमारा सारा का सारा कोड आएगा। तो मैंने कोड कॉपी किया है वहां से, कोड एंड के बाद स्लैश डालेंगे हम, देन प्रेस एंटर। तो इसने आउटपुट दी हमें सिक्स कस्टमर्स सिलेक्टेड। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो टेबल था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स तो इसमें हमारे पास सिक्स रिकॉर्ड्स हैं, सिक्स रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए हैं। तो पहले यहाँ पे जो हमारी सैलरी थी वो 20,000 थी, तो अब हो गई 25,000 क्योंकि 5,000 हमने सभी में ऐड किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल विदाउट यूजिंग इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट ऑफ पीएल एसक्यूएल कर्सर। तो अब हम कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे, तो हम इस डिलीट की कमांड को यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे सेम पीएल एसक्यूएल का कोड है, डिक्लेयर बिगिन एंड एंड तीन सेक्शंस यूज हुए हैं, और उसमें फर्स्ट जो वेरिएबल, अब हम यहाँ से डेटा टेबल में से ही वैल्यू फेच करवाएंगे और उसी को डिलीट करवाएंगे। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वीआईडी नाम का वेरिएबल फॉर आईडी, एंड कस्टमर्स जो है हमारे टेबल का नेम है डॉट आईडी इज द नेम ऑफ टेबल, एंड यहाँ पे परसेंट टाइप यूज किया है। परसेंट टाइप तब हम यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि टेबल में कॉलम जो है वो किस टाइप को बिलोंग करता है, किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। तो परसेंट टाइप एक एंकर डेटा टाइप है। बिगिन में वीआईडी में कॉलन इक्वल्स टू एम्परसेंट आईडी यूज किया है। एम्परसेंट आईडी मींस कि हम अब यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे। नेक्स्ट है इसमें डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू वीआईडी। तो जो भी यूजर की वैल्यू होगी, सपोज यूजर ने जैसे 7 एंटर किया तो वो रिजल्ट चला गया वीआईडी में, तो जो हमारा कॉलम है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा वेयर आईडी, तो आईडी इज द नेम ऑफ कॉलम इक्वल्स टू वीआईडी जो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, वो अगर इक्वल होगी तो हमारी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कमिट किया, कमिट का मीनिंग कि जो भी टेबल में चेंजेस किए हैं वो सेव करने हैं, एंड एट द एंड इसको एंड कर दिया। अब हम सेम कोड, इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आएगी। अब एक चीज नोटिस करनी है कि इसमें हमने इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, तो पीएल एसक्यूएल के जो कर्सर्स हैं उसको यूज करने का क्या हमें एडवांटेज है। तो यहाँ पे हम अब कोड लिखते हैं, कोड था मेरा जो मैंने कॉपी किया है स्लाइड से, देन स्लैश एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर आईडी। तो सपोज हमारे टेबल में कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आईडीज हैं हमारे पास। इनमें से अगर हम कोई डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने इसमें से 6 लिखा यहाँ पे, तो इसने क्या हमें रिस्पॉन्स किया, पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो हम टेबल ओपन करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो इसने हमें रिस्पॉन्स दिया 5 रोज। अब 1 रो डिलीट हो चुकी है, लेकिन सेम अगर मैं फिर से कोड कॉपी करती हूँ तो जो इसमें कॉलम नहीं है, सपोज मैं फिर से कुछ 7 लिख रही हूँ आईडी, तो
यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, अगेन पी एल एसक्यूएल रिस्पॉन्स क्या कर रहा है कि पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो रो प्रेजेंट नहीं भी थी उसके लिए भी सेम रिस्पॉन्स आया, चाहे उस टेबल में कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हम इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे सेम प्रोग्राम में। नेक्स्ट एग्जांपल है डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल विद यूजिंग इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट्स इन पी एल एसक्यूएल। नाउ द प्रॉब्लम इज सेम कि हमने डिलीट करना है जो आईडी यूजर एंटर करेगा। तो यहाँ पे ये सारा सेम है, डिक्लेयर हमने एक वेरिएबल किया कस्टमर्स टेबल में से आईडी कॉलम को फेच किया, बिगन में यूजर से वैल्यू एंटर करवाई आईडी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू वीआईडी। तो यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगा दी, इफ एसक्यूएल परसेंट फाउंड, अगर तो वो आईडी उसको मिलती है तो हमें आउटपुट आया रिकॉर्ड डिलीटेड, एल्स आउटपुट क्या है नो सच रिकॉर्ड इन टेबल। तो इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आएगी जैसे स्क्रीन पे शो हो रही है एंटर वैल्यू फॉर आईडी 7, तो ये 7 उसमें अवेलेबल नहीं थी, सो नो सच रिकॉर्ड इन टेबल, पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कर्सर्स। एक्सप्लिसिट कर्सर्स नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कर्सर्स। एक्सप्लिसिट कर्सर्स आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर और यूजर टू गेन मोर कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो दीज कर्सर्स हम बेसिकली पी एल एसक्यूएल एक्सप्लिसिट कर्सर्स हम बेसिकली डेक्लरेशन सेक्शन में यूज करते हैं, एंड इट इज क्रिएटेड ऑन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट ओनली। तो हम इसमें कर्सर यूजर खुद डिफाइन कर सकता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, कर्सर द नेम ऑफ कर्सर इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको फॉलो करने इसको यूज करने के हमारे पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट डिक्लेयर द कर्सर टू इनिशियलाइज द इन द मेमोरी, सेकेंड इज ओपन द कर्सर टू अलोकेट द मेमोरी, थर्ड इज फेच द कर्सर टू रिट्रीव डेटा, फोर्थ इज क्लोज द कर्सर टू रिलीज अलोकेटेड मेमोरी। तो यहाँ पे फोर स्टेप्स हैं, डिक्लेयर ओपन फेच एंड देन क्लोज। स्टेप्स डिक्लेयर द कर्सर, तो इसमें क्या होता है कर्सर का नेम आता है विद एसोसिएटेड सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सिंटेक्स क्या है, कर्सर द नेम ऑफ कर्सर इज सिलेक्ट स्टेटमेंट, और एग्जाम्पल कर्सर C1 इज द नेम ऑफ कर्सर इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सेकंड है ओपन द कर्सर, तो बेसिकली हम जब कर्सर को ओपन करेंगे दैट मींस कि कर्सर को मेमोरी एलोकेट होगी एंड वो इजीली रोज को फेच करके स्टोर कर सकेगा, यूज कर सकेगा। तो यहाँ पे इसको ओपन करने का सिंटेक्स है ओपन एंड द नेम ऑफ कर्सर, एग्जाम्पल इज ओपन C1। थर्ड इज फेच द कर्सर, इट इज यूज टू असेस वन रो एट अ टाइम, यू कैन फेच रोज फ्रॉम द अबव ओपन्ड कर्सर एज फॉलोज। तो यहाँ जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स है फेच, उसके बाद आता है कर्सर का नेम इनटू वेरिएबल लिस्ट। एग्जांपल देखते हैं, फेच C1 इनटू XYZ। तो सपोज आप कस्टमर टेबल में से आईडी नेम एंड एज फेच करवा रहे हो, तो वो आईडी नेम एंड एज तीन वेरिएबल्स में जाएगी XYZ में। लास्ट वन इज क्लोज द कर्सर, तो जो अलोकेट हुई होती है मेमोरी एक कर्सर को वो रिलीज हो जाएगी। एंड सिंटेक्स है इसका क्लोज द नेम ऑफ कर्सर। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, सेम टेबल हमने कस्टमर टेबल यूज किया है जिसमें 5 कॉलम्स एंड 60 रिकॉर्ड्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल विद यूजिंग एक्सप्लिसिट एट्रीब्यूट्स इन पीएल एसक्यूएल। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है हमारा डिक्लेयर, तो डिक्लेयर में मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू फेच आई डी नेम एंड सैलरी। सो वी अंडरस्कोर आई डी इज द फॉर आई डी कॉलम, वी अंडरस्कोर नेम इज फॉर नेम कॉलम, एंड वी अंडरस्कोर सेल इज फॉर सैलरी कॉलम। तो यहाँ पे कस्टमर्स डॉट आई डी परसेंट टाइप, सेम कस्टमर्स डॉट नेम परसेंट टाइप, तो यहाँ ऐसे हमने सारी वैल्यूज फेच की हैं। उसके बाद कर्सर डिक्लेयर किया है, कर्सर का नेम है C1 इज सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स।
बिगिन सेक्शन में हम ओपन करेंगे पहले कर्सर को, उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप चलाया है क्योंकि हमने मल्टीपल रोज हमारे पास फेच होके आएंगी तो उनके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। देन फेच C1 इंटू, तो यहाँ पे क्या था इसका सिंटेक्स, फेच कर्सर नेम इंटू वेरिएबल्स लिस्ट, तो यहाँ पे है फेच C1 इंटू वी अंडरस्कोर ID कॉमा वी अंडरस्कोर नेम कॉमा वी अंडरस्कोर सेल। तो अगर वो फेच हो जाता है तो ये कब तक एग्जिट नहीं हो, कब तक रन होगी ये फेच कमांड, उसके लिए है यहाँ पे एग्जिट। तो एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड, जब कर्सर को कोई वैल्यू नहीं मिलनी बंद हो जाएगी तो उस तब वो एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल देन स्पेस सेकंड वेरिएबल देन स्पेस थर्ड वेरिएबल, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे शो होगी कि ID1 स्पेस रमेश स्पेस स्पेस उसकी सैलरी, एंड लूप क्लोज C1 एंड। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा एंड ये इसकी आउटपुट आई कुछ ऐसे, जो भी टेबल में वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी आउटपुट आई। थैंक यू फ्रेंड्स।